नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है योगेश सेफ्टी स्टडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं MSDS के बारे में, यानी MSDS के बारे में, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसे हम शॉर्ट में MSDS कहते हैं। नंबर दो, MSDS कंटेंट, यानी MSDS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और नंबर तीन, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स, यानी कि हजार्ड्स को जानने का तरीका और पहचानने के लिए हम जानेंगे कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह के हजार्ड्स हैं। और ये तीनों टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। MSDS यानी कि मेंस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी केमिकल्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और इस इंफॉर्मेशन में यह मेंशन होता है कि केमिकल में कितने हजार्ड्स हैं और इसे कैसे सेफली हैंडल करना है और इसे कैसे सेफली यूज करना है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ रहता है। तो आइए दोस्तों, इसे और डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉन्टेंट ऑफ MSDS के बारे में, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या दिया रहता है। तो सबसे पहले जो होता है हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हजार्ड्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम पहचानते हैं कि किस तरह के हजार्ड्स हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और सिंबल्स के साथ समझेंगे। तो सेकेंड है जो होता है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेंट्स, यानी कि इस केमिकल में, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने खरीदा है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन और उसमें कौन कौन से इग्रीडियंट्स मिला के बनाया गया है और कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड है हमारा फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी अगर उस केमिकल से किसी को कुछ होता है तो कैसे उसे फर्स्ट एड करेंगे, और अगर फायर के द्वारा हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, यानी फायर से कैसे रिलीज करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो फोर्थ है हमारा हैंडलिंग एंड स्टोरेज, यानी उसे हमें हैंडल कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, और इसमें मेंशन होता है। अगला है डिस्पोजल मेथड, यानी कि उस केमिकल को हम कैसे डिस्पोजल करेंगे जब हमारा यूज हो जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है। अगला है पीपीज, यानी पीपीज के बारे में, यानी कि हमें कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगला है एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स, यानी कि किसी भी केमिकल का एक्सीडेंटल बहाव होता है, रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, तो उससे हमें कैसे बचाव करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। अगला है डिटेल्स ऑफ सप्लाई कंपनी, जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है इस प्रोडक्ट को, उसके बारे में डिटेल्स और इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल्स हजार्ड्स के बारे में जान पाते हैं या जान सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया है या खरीदा हुआ, जो जैसे कि खरीदा हुआ है, वो किस तरह के हजार्ड्स के अंडर आता है, तो चलिए हमें एक एक करके समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सिंबल है, ये है एक्सप्लोजिव का, यानी कि अगर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट में हमें ये सिंबल लगा हुआ दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये केमिकल प्रोडक्ट एक्सप्लोजिव है। और अगला हमारा जो सेकंड है फ्लेमेबल जेंसील, यानी कि फ्लेमेबल, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट में इस तरह का सिंबल हमें दिखाई देता है तो समझ लीजिए ये इजिली बर्न हो सकता है, यानी जल सकता है। अगला है, यानी कि नेक्स्ट है हमारा क्रोसिव, यानी क्रोसिव जो होता है, यानी कि आपकी स्किन पे, बॉडी पे गिरता है तो ये आपकी स्किन का बॉडी को बर्न कर सकता है, यानी जला सकता है। तो इसको सिंबल्स को देख के आप पता लग सकते हो कि ये इसमें कौन सा केमिकल है और इस हमारी बॉडी को क्या प्रॉब्लम आएगी। अगला है हमारा डेंजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल, यानी जो इन्वायरमेंट के लिए डेंजर्स है, अगर ऐसा सिंबल लगा हुआ है किसी भी केमिकल के या प्रोडक्ट पे जो आपने खरीदा है, तो ये समझ जाइए कि इन्वायरमेंटल के लिए डेंजरस है, हमें ये इन्वायरमेंट के रिलीज नहीं करना है, यानी कि उसमें नहीं फैलाना है, इन्वायरमेंट में, वातावरण में उसको रिलीज नहीं करना है, तो ये हमारे खतरनाक साबित हो सकता है।
और अगला है हमारा टॉक्सिक, यानी कि जहरीला, जहरीलापन। इसमें अगर इसे हम इनहेल कर लेते हैं, यानी सूंघ लेते हैं, तो बॉडी को ये काफी इरेक्ट करेगा। अगला है हमारा हेल्थ हजार्ड्स। अगर इस तरह का सिंबल लगा हुआ है या बना हुआ है तो समझ जाइए कि यह हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हजार्ड्स है, यानी खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें इससे बचना है और किस तरीके से यूज करना है उस प्रिकॉशंस देखना है। अगला है हमारा स्किन इरिटेंसी। अगर इस तरह का सिंबल्स लगा हुआ है तो आपकी स्किन में खुजली हो सकती है, इरेक्शन हो सकता है, इरिटेंसी हो सकती है, तो आपको अपनी स्किन पे गिरने से इस केमिकल को बचाना है। समझ गए मेरी बात को। अगला है दोस्तों, फाइनली जो हमारा लास्ट है, गैस अंडर प्रेशर। अगर इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाइए ये गैस और अंडर प्रेशराइज्ड किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो सिंबल्स देख रहे हैं, हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस तरह के हजार्ड्स हैं और किस तरह का केमिकल है और किस तरह का हजार्ड्स इन केमिकल के अंदर हो सकता है, और ये हम इन सिंबल्स को देख के आसानी से समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि MSDS क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है, और उसमें उसको हम जो सिंबल्स होते हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, और उन सिंबल्स को पहचानने के बाद हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल है और उस केमिकल से हमें कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जहाँ भी केमिकल स्टोरेज होगा आपके, वहाँ पे बाहर जो आउटसाइड में हमेशा गेट के पास MSDS लगा मिलेगा आपको। ये MSDS इसीलिए लगा होता है ताकि कोई भी उसके अंदर जाएगा, जाने से पहले उसको MSDS को प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा, समझेगा, और जो केमिकल्स हैं उनका यूज जहाँ भी करना है, किसी भी कहीं भी डलना है, तो कौन कौन से हमें PPG या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको पहनने के बाद किस तरीके से उनका यूज करना है या उनको प्रयोग में लाना है और कहाँ लाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने